हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजिला। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जाने मानी हस्ती से। पल दो पल में आज हैं हमारे खास मेहमान हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित चंडीगढ़ के वेल नोन राइटर वीरेंद्र मेहंदी रहता जी। वीरेंद्र जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहंदी रहता सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ शहर आपकी यादों में बसा हुआ है, ये एक इतिहास है जिसे आपने बनते हुए अपने सामने देखा है, तो चंडीगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? जब वो आकार लेना शुरू किया, आप यहाँ आए थे विभाजन के बाद, पंजाब के लिए राजधानी चाहिए थी और पंडित नेहरू के जहन में था कि बिल्कुल आधुनिक ढंग का नया शहर हम लोगों ने निर्मित करना है। तो तलाश शुरू हुई, कहाँ ये शहर बनाया जाए, कौन इसे बनाए। तो पीएल वर्मा को ये ड्यूटी दी गई थी और उनके साथ मेरे भाई अजय थे, इस नाते मैं इस इलाके में उस जमाने में आता था। फिर मैं इलाहाबाद एमए करने चला गया, एमए करके एकदम से नौकरी की तलाश हुई। तो चंडीगढ़ में नया गवर्नमेंट कॉलेज खुला था, 1953 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर के रूप में आया। ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे बहुत अच्छे सहयोगी मिले, जैसे नवीन चंद ठाकुर जैसे एक बुजुर्ग दोस्त मुझे मिले। उन दिनों अंग्रेजी के बड़े मशहूर अब जो कवि हैं शिव के कुमार, वो भी अंग्रेजी यहाँ पढ़ाते थे, तो अच्छा माहौल था। कहानियाँ लिखते हुए मैं वहाँ से आया था, एक कहानीकार के रूप में वहाँ प्रतिष्ठा पाई थी। यहाँ आकर के मुझे लगा कि इस ढाई सेक्टरों के शहर में, ढाई सेक्टर कैसे, सेक्टर 22 बना था, सेक्टर 23 बना था और आधा सेक्टर 16 बना था। ये 22 और 23 में सरकारी मकान बने थे, कैपिटल प्रोजेक्ट में जो अहलकार लगे हुए थे तो उनके लिए ये जिसे कहते हैं मकान थे, है ना, उनके लिए ये मकान थे। हम लोगों को भी एक मकान मिल गया। तो इस तरह से चंडीगढ़ में हम लोग चल पड़े। पर
दो बातें मुझे लगता है इस शहर को जानने और समझने के लिए मेरे जहन में आती हैं कि जो शुरू के इस शहर को निर्मित करने के लिए लगे हुए थे जैसे वर्मा थे, मिस्टर थापड़ थे और लोग थे, उनके जहन में लाहौर का एक सपना था। लाहौर में रह चुके थे, लाहौर का एक सपना, ये सपना लेकर के साथ आए थे। और मैं इलाहाबाद से जिसे कहते कि साहित्यिक गतिविधि का जिसे कहते पूरा माहौल लेकर के आया था, तो यहाँ आते ही मैं तलाश करने लगा कि क्या वैसा माहौल निर्मित कर पाऊँगा। उस माहौल को निर्मित करने के लिए तलाश हुई शुरू, तो सबसे पहले संस्कृत के एक प्रोफेसर थे जो बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने, जगदीप सिंह, चौधरी जगदीप सिंह, तो वो मेरे साथी थे, वो भी कुछ थोड़ा सा हिंदी में लिखते थे। एक इसी कैपिटल प्रोजेक्ट का मॉडलर था, उसे कहानी लिखने का शौक था, मधुसूदन जोशी, मैंने उनसे क्या किया था, है ना, तो वे आए। एक पब्लिक रिलेशन के थे राजेंद्र, BA JD अपने साथ लिखते थे, BA के साथ जर्नलिज्म डिप्लोमा भी साथ नाम के उस जमाने में लिखा जाता था। आज तो नहीं लिखा जाता पर तब जरूर लिखा जाता। हाँ, तब क्योंकि बहुत थोड़े लोग थे, तो वो भी लिखने का। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कोई भतीजे या उसके रिश्तेदार एक गुलेरी परिवार के यहाँ सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, तो वे भी थे, तो हम सब लोग मिल करके बैठा करते थे। और एक साहित्यिकी नाम की संस्था मैंने शुरू की, साहित्यिकी नाम की संस्था, मतलब है कि उस उजाड़ में आपने वो साहित्यिक रिदम अपना ढूंढ लिया, वो अपने लिए जिसे कहते हैं खुराक लेने के लिए। जब आप चंडीगढ़ आए कॉलेज से जुड़े तो आपकी जो साहित्यिक जो भूख थी उसके लिए आपने बंदों को ढूंढा, कहीं कहीं जाकर बंदों को ढूंढा और किया, और साथ जिसे कहते हैं कि अपनी सृजनशीलता को दिशा देने के लिए मुझे एक अपने जो साथी थे नवीन चंद ठाकुर वो मिले, वो थिएटर में उनकी रुचि थी तो वो भी धावी साथ, तो वो थिएटर की ओर चल पड़े हम। तो उन दिनों जब कॉलेज खुला था तब लड़के लड़कियां इकट्ठे एक्ट नहीं करती थी। ओके, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग लेना, दोनों को अलग अलग। जैसे पहला नाटक जो मैंने एकांकी हम लोगों ने जो किया, भक्तचंद वर्मा का दो कलाकार था जिसमें चारों पात्र पुरुष थे। अच्छा, और आपको आश्चर्य होगा, फिर दो तीन प्लेज, एक राम कुमार वर्मा का प्ले है रूप की बीमारी, उसमें भी सारे पुरुष पात्र हैं। मतलब महिला पात्र लिए ही नहीं गए थे क्योंकि एक्ट नहीं करते थे, एक्ट नहीं करते थे साथ। फिर महिला पात्रों के लिए अलग नाटक भी किए, ठीक, उनको अलग लिया, अलग, और पुरुष पात्रों को अलग। इसके बाद हम लोगों की इच्छा हुई कि अब फुल लेंथ प्ले करें। जी, तो आपने आपने जो चंडीगढ़ में पहला फुल लेंथ प्ले किया था वो कोणार्क आपका काफी प्रसिद्ध रहा था, तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे मेहंदी लता सर कि एक ऐतिहासिक नाटक को रंगमंच के जरिए जनता को देना क्या कितना कठिन था और किस तरह से ये किया? देखिए, पहली तो बात यह है कि कोणार्क नाटक चुना क्यों, इसलिए चुना कि उसमें कोई महिला पात्र नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया क्योंकि वो शिल्प, सबसे बड़ी बात है वो शिल्पियों का है, चर्चा एक महिला की है जी, बात बीच में एक महिला की है, वही प्रेरणा है। पर वो सारा नाटक जिसे पुरुष पात्रों के साथ था, पहली बात तो ये चुनने का रीजन ये था कि चुनने का ये कारण एक बना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो भी आर्किटेक्ट और यहाँ भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट शहर बन रहा था, बिल्कुल, तो इस वजह से भी जिसे कहते हैं कि इसे हमने चुना। इस में जो विशु की भूमिका जिसने की वो
अभी जीवित हैं और यहीं पे हैं। अच्छा। कैलाश आलूवालिया, वो भी साहित्यकार हैं। तो उन्होंने विशु की जो शिल्पकार है उसकी भूमिका की। और इस नाटक की जो विशेषता थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह उस वक्त मिस्टर सिंह गवर्नर थे, उनकी बेटी थी, वो उनकी चीफ गेस्ट थी। तो इसमें अंत में उस मंदिर को गिरा दिया जाता है। जी बिल्कुल सही, मंदिर को गिराया जाता है। तो मंदिर के गिराने का जो हमने अफेक्ट किया तो इतना इसके प्रभावपूर्ण था कि वो कहने लगी चीफ गेस्ट, कहती कि मैं तो पीछे जाके देखना चाहूंगी आपने कैसे इसको उसका सारा कैसे किया है। मैंने कहा आप ना आए तो अच्छा है, पर देखना चाहे तो देखें भी, पर किस तरह से, मतलब है कि तब ये जो सोफिस्टिकेटेड साउंड इफेक्ट्स नहीं थे क्योंकि एक रंगमंच ही नहीं था। रंगमंच ही नहीं था, ये टैगोर थिएटर भी बाद में ही बना था, 1961 में बाद में बना। तो ये स्कूल जो आज स्कूल है उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज था, ये सेक्टर 23 का मैंने आपको बताया, 23-22 और ये 23 सेक्टर का जो आज स्कूल है वो समय चंडीगढ़ का सांस्कृतिक केंद्र था। कैसे, ये गवर्नमेंट कॉलेज इसमें था, बीएड कॉलेज इसमें था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी और स्टेट लाइब्रेरी भी यहाँ थी। तो ये एक तरह से कहते हैं कल्चरल सेंटर था। और यहीं पर इसी के हॉल में हमने ये पहला फुल लेंथ प्ले किया। और साथ ही जिसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमने हिंदी में ये प्ले किया ऐसा नहीं, ये एक अजीब बात है चंडीगढ़ की, ये भी मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ कि कितनी विचित्र बात है कि चंडीगढ़ में और भी शहर हैं, जलंधर है, लुधियाना, पुराने शहर हैं, उसमें रंगमंच की गतिविधि नहीं है, यहाँ क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत में कुछ लोगों ने जिसे कहते हैं बहुत मेहनत की, जैसे यूरी चौधरी, एक आर्किटेक्ट मिस्टर चौधरी, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उनकी मिसेज जूली चौधरी, उन्हें भी थिएटर का बड़ा शौक था। अंग्रेजी के उन्होंने वेल मेड प्लेज जिसे कहते हैं, जो फ्रेंच एडिशंस आते थे, उनको जॉन स्टेपसन, कुछ इस तरह के कई तरह के नाटक, और यहाँ के एमेच्योर एक्टर्स के साथ उन्होंने खेल प्लेस के, मतलब जो आर्किटेक्ट मिस्टर आदित्य प्रकाश भी उसमें हिस्सा लेते थे, और एक प्ले में मिस्टर स्वरूप कृष्ण जो कि चीफ सेक्रेटरी थे वो भी इसे कहते हैं उसमें हिस्सा लेते रहे। और साथ ही पंजाबी के प्लेस भी मिसेस चंपा मंगत राय, मिस्टर मंगत राय की वाइफ जो थी, उनका भी थिएटर में बहुत शौक था। तो उनका शौक देखिए कि पहले जो सिनेमा किरण सिनेमा था उसमें उन्होंने चेखव के कुछ नाटकों का उर्दू रूपांतर खेला, काफी मुश्किल आई होगी उसको तो उर्दू रूपांतर करके, उन्हें उर्दू रूपांतर मिल गया और उसे उन्होंने खेला। और मिसेस मंगत राय ने पंजाबी में पुरानिया बोतला बाईस सेक्टर के हेल्थ सेंटर के छोटे से हॉल में, मतलब है कि शहर के निर्मित होते ही रंग गतिविधि, बिना थिएटर के बने रंग गतिविधि यहाँ शुरू हो गई। ये इस शहर की अपनी विशेषता है, इसी वजह से जिसे कर। और फिर जब सन 1961 में टैगोर थिएटर बन गया तब टैगोर थिएटर सेंटर बन गया, निश्चित रूप से टैगोर सेंटेनरी सेलिब्रेट हुई 19 से, उसी सिलसिले में ये थिएटर भी बना। तो तब हम लोगों ने टैगोर का नाटक मुक्त धारा खेला था कॉलेज में। चंडीगढ़ का निर्माण आपके साथ साथ ही चल रहा था। तो
कहीं ना कहीं जो ये निर्माण कार्य था ये आपके साहित्य में बोलता था। आप कहानियाँ लिखते थे या जो टीच करते थे, टीचिंग अध्यापन का जो आप कार्य करते थे, एक वेल नोन स्टेज अपना एक रंगमंच से साथ जुड़ी हुई एक महिला रही हैं जो फॉरनर थी, नोरा रिचर्ड्स, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया हिंदुस्तान को, हिमाचल बनाया उन्होंने। तो क्या ये आपके साथ ही था उस टाइम का दौर, या आपसे सीनियर थी वो? वो मतलब है कि थी तो साथ साथ ही, मगर उन्होंने पंजाबी थिएटर को अहमियत दी और ओपन एयर थिएटर की शुरुआत की। थिएटर की शुरुआत वहां पे गई, नोरा रिचर्ड के उस थिएटर वहां पे जाकर के मैंने देखा, उनके घर पे जाके। हाँ, वहां पे हम, मैं भी गई वहां पे, वहां पे हम लोग गए थे। तो उनके कंसेप्ट और थी, यहाँ पे था कि चंडीगढ़ एक रंग गतिविधि का केंद्र बने, ये एक कामना थी। कि जैसे लाहौर महत्वपूर्ण था, जैसे मेरे स्कूल ऑफ आर्ट था तो यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट बना, है ना, उसी तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर का था जहाँ से काफी सेलिब्रिटीज पढ़ी हुई हाँ मैंने भी 1946 में मैं मैट्रिक करके वहीं पे मैंने दाखला लिया था, वो सेंटर पॉइंट था सभी अपने। पर वहाँ की जो मैं विशेष बात बताना चाह रहा था कि वहाँ की एक ट्रेडिशन थी कि वंस ए ईयर एक फुल लेंथ प्ले हुआ करता था, फिक्स था वो अपना, फिक्स था। तो फिर हम लोगों ने, मैं और मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर उर्दू पर्शियन के थे, मैं हिंदी में पढ़ाता था, तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि एक साल मैं डायरेक्ट करूंगा, वो प्रोड्यूस करेंगे, एक साल वो डायरेक्ट करेंगे, मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलेज से एक थिएटर की मूवमेंट शुरू की। फिर उसके बाद इधर समझिए कि 1961 में टैगोर थिएटर बना, टैगोर थिएटर की इनॉग्रेशन हुई, और जिसे कहते हैं हंग्री स्टोन्स यहाँ पे खेला गया, नटी की पूजा यहाँ पे खेला गया। वीरेंद्र मेहंदीरता सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी का जो रंगमंच का कैनवस है वो बहुत बड़ा है, आज एक्सपेरिमेंटल काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आपके दौर से लेके अगर हम आज के रंगमंच को जोड़ना चाहें तो आप इसे कितना इत्तफाक रखते हैं कि आज भी क्वालिटी, रंगमंच की क्वालिटी बरकरार है? देखिए ऐसे है कि रंगमंच में कई संभावनाएं हैं। एक, जब शुरुआत हुई अलकाजी ने, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अब वो डायरेक्टर थे, तो जो पश्चिम का यथार्थवादी प्रोसीनिया मार्च वाला थिएटर जो था वो उनके जहन में था, और उसी के आधार पर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग भी दी और सब। किंतु उसी दौर में हबीब तनवीर भी थे जी, जो कि फोक को साथ लेकर के, फोक लैंग्वेज भी, फोक थिएटर भी, फोक सॉन्ग्स भी, इन साथ इन